चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्किप ना करें। यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं कि सीसीएसयू में बीते दो दिनों में चल रहे हैं यूजी लेवल के रजिस्ट्रेशन, दूसरे दिन भी सर्वर डाउन की कंप्लेंट, रजिस्ट्रेशन की रफ्तार भी धीमी। आपको बता दूं कि सीसीएसयू व उससे जुड़े कॉलेजों में यूजी के एडमिशन को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते दो दिनों में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लेकिन सर्वर में दिक्कत आने के कारण रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बहुत ही धीमी है, जिसमें चलते अलग अलग कॉलेजों में किसी कोर्स में दो तो किसी कोर्स में केवल 13 ही रजिस्ट्रेशन अभी तक हो पाए हैं। आपको बता दूं कि यह है रजिस्ट्रेशन की स्थिति। आप देख सकते हैं बीए कोर्स में आप सामने कॉलेज देख सकते हैं, उसके साथ में सीट है और उसके बाद जो खाली सीट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 12, 13 इतने ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो दो दिन में बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, रजिस्ट्रेशन की रफ्तार जो है बहुत ही धीमी है और सर्वर जो है वो भी ठप है। उसके साथ ही बता दूं कि छात्र छात्राओं को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका डाटा नॉट फाउंड बता रहा है। तो उसमें छात्र छात्राओं के हमें पिछली वीडियो में काफ़ी कमेंट आए थे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। उसको बता दूं कि अभी एक सप्ताह और नहीं होगा स्नातक में पंजीकरण, सीसीएसयू पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी यूपी सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट। रीज़न क्या है वो आपको बता देता हूँ कि अभी वर्ष 2022 और 23 में 12वीं पास करने वाले यूपी बोर्ड सीबीएसई व आईसीएसई के विद्यार्थियों का डाटा नहीं मिला है। जब तक डाटा नहीं मिलेगा तब तक पंजीकरण संभव नहीं है। हाँ, इससे पूर्व 12वीं पास करने वाले पंजीकरण करवा सकते हैं, यानी कि जिन्होंने 2022 में 21 में या 20 में या 19 में जिन्होंने 12वीं पास की है और वो जो है अपने रजिस्ट्रेशन को कराना चाहते हैं तो वो छात्र रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। हालांकि 2023 के अभी जो डाटा है वो सर्वर पर अभी अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही अपलोड होता है तो सभी छात्र छात्राओं के यहाँ पर पंजीकरण हो जाएंगे। उसके साथ ही छात्र छात्राएं करेंगे बीएड परीक्षा कार्यक्रम बदलने की मांग, क्योंकि सीयूईटी सीएसआईआर व नेट की प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य एवं बैक पेपर परीक्षाएं भी जून में है, जिससे छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा है कि बीएड की परीक्षाएं दे या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं। इसके मद्देनज़र सोमवार को छात्र छात्राएं परीक्षा नियंत्रक से परीक्षा कार्यक्रम बदलने की मांग करेंगे। यूजीसी की जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ और लेक्चरारशिप के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीएसआईआर की परीक्षा 6, 7 व 8 जून को है। पीजी की सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 व 12 जून को है। नेट की परीक्षा 13 से 22 जून तक होगी। सीसीएसयू की बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य व बैक पेपर परीक्षा 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16 व 19 जून को है। बीएड की परीक्षाएँ होने की वजह से छात्र छात्राएँ काफ़ी परेशान हैं। छात्र नेता अक्षय बैसला ने बताया कि सोमवार को छात्र छात्राएं परीक्षा नियंत्रक से बीएड की परीक्षा कार्यक्रम बदलने की मांग करेंगे। यदि उनकी मांग को नहीं माना जाता है तो कुलपति कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो यहां पर छात्र छात्राओं को दिक्कतें हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो भी बीएड की परीक्षाओं के साथ में पड़ रही है। इस कारण के छात्र छात्राएँ जो है बीएड परीक्षा कार्यक्रम बदलने की मांग कर रहे हैं। उसके साथ ही कुछ छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं कि मूल्यांकन चैलेंज का रिजल्ट नहीं दे रही है यूनिवर्सिटी, उसकी मजबूरी में स्टूडेंट्स को भरना पड़ रहा है बैक पेपर का फॉर्म। इसमें छात्र छात्राओं के डबल पैसे खर्च हो रहे हैं। यहां पर मूल्यांकन चैलेंज के लिए भी पैसा खर्च हुआ और साथ में रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को बैक पेपर का फॉर्म भरना पड़ रहा है, उसमें भी यहाँ पर छात्र छात्राओं को पैसा देना पड़ रहा है। तो छात्र छात्राएँ बोल रहे हैं कि वीसी मैडम बेमतलब खर्च मत कराइए, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो यहाँ पर अश्वनी कुमार परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि इस मामले में जल्द ही मीटिंग की जाएगी, इसमें सदस्यों की फैसला लिया जाएगा, स्टूडेंट्स के हित में कुछ करने का प्रयास किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लाइक करें, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द यूनिवर्सिटी बाकी रिजल्ट को जारी करने वाला है, जैसे ही रिजल्ट जारी होते हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सूचित कर दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।